हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं आपके बेसिकली हर एक मशीन में लागू होते हैं। कोई भी मशीन है आपकी उसमें ये लागू होते हैं, तो इनको पढ़ेंगे हम क्या है। और आपके जो सिलेबस में दे रखा है स्क्रू जैक के लिए, वो स्क्रू जैक में भी देख लेंगे कि क्या रहता है। सो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बाकी के वीडियोस को ज़रूर चेक करें और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के सब्जेक्ट्स के जो भी प्लेलिस्ट हैं उनको ज़रूर चेक कर लें। सो अब स्टार्ट करते हैं। मशीन्स जो हैं मेरी, अगर आप देखेंगे कोई भी मशीन है, छोटी भी, मान लीजिए एक पुली सिस्टम है, तो चीज़ें बहुत मदद करती हैं। आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन पर आपका जो रिजल्ट है वो 100 न्यूटन हो गया मशीन की मदद से। तो ये मशीन क्या करती है, मल्टीप्लाई करती हैं फोर्सेस को। कभी कभार डायरेक्शन चेंज करनी होती है अप्लाइड फोर्स की हमें, तो वो भी करती हैं। कहीं कहीं हमें ज़रूरत होती है कि स्पीड गेन करने के लिए, तो वो भी करती हैं, जैसे कि आपके लीवर, पुली, स्क्रू जैक। और भी आपके एग्जांपल्स रहते हैं वेज, व्हील एंड एक्सल, विंच क्रैप, तो ये सब रह सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको इसलिए बताया कि मशीन के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। सो अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ द लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड। बस इतना सिंपल है कि मान लीजिए आपने जैसे देखा है जो आपकी कार होती है, ठीक है, उसमें हम एक मैकेनिकल सिस्टम रखते हैं और उसके बाद उसको लिफ्ट कर देते हैं। यहां से आप उसको घुमाते हैं, अगर आपने देखा हो, और लिफ्ट हो जाती है। अगर मैं नीचे घुस के हाथ से उठाना चाहूं तो नहीं उठा सकता, बट मैं उस मशीन के द्वारा, क्योंकि हम सारी चीजों को वी टर्म इट एज अ मशीन, ठीक है, उस मशीन के द्वारा हम लोग उठा देते हैं। तो देखें अगर, तो लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय एफर्ट, एफर्ट इज माय फोर्स। कितनी फोर्स है एफर्ट, जहां भी आपको आए वर्ड नजर, तो मतलब समझ जाइए कि इट इज माई फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग। तो इन दोनों का रेशियो आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि मैं कम से कम फोर्स लगाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोड लिफ्ट हो जाए। मान लो मैं 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं और 10, तो मैकेनिकल एडवांटेज 10 हो गया। तो इस तरह से आपका ये चलता है। सो अब अगला देख लेते हैं, वेलोसिटी रेशियो। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो आपका जो एफर्ट कितना मूव कर रहा है टू कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, इन दोनों का रेशियो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है। ये बड़े डी से एंड ये छोटे डी से सिग्निफाई किया, बट इसमें मतलब क्या है ये मैं समझाता हूं आपको। कि मान लीजिए ये मेरी एक जो होती नहीं पुली टाइप की, जिसको खदानों में यूज करते हैं या कुछ, इसमें पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एफर्ट लगा रहा हूं नीचे से और मेरी एफर्ट ने 10 mm मूव किया, इसको उठाया, यहां सिर्फ 10 mm के लिए एफर्ट मैंने लगाया है, डिस्टेंस इसने मूव किया है, पर यहां पर इसने जो लीवर था नीचे से, इसने 30 mm मूव किया है मान ले। तो ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। इस तरह से देखूंगा कि एफर्ट ने जो मूव किया है और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, कि मैंने जैसे एफर्ट को मूव कराया तो लोड कितना मूव करा, ये मेरा होता है वेलोसिटी रेशियो। सिमिलरली आपका जो स्क्रू जैक होता है, वैसे आएगा नहीं, खाली मशीन्स के लिए पूछते हैं, डिफाइन पूछते हैं, तो पर अगर कभी पूछ ले तो स्क्रू जैक के लिए वेलोसिटी रेशियो होता है 2 पाई एल
बाय पी। पी मेरी होती है पिच ऑफ स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड, एंड ये 2πL होता है मेरा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इन टर्निंग स्क्रू। आप जैसे जैसे स्क्रू को घुमाते हैं तो जो डिस्टेंस मूव करता है वो होता है 2πL। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पहले बेसिक मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो बताना है, फिर उसके बाद स्क्रू जैक में आपको दे देना है कि ये होता है जी, और इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगली चीज है हमारी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी एक मशीन की होती है कि यूजफुल वर्क डन बाय मशीन, भाई जो मशीन है मेरी ये कितना मेरे को काम दे रही है, आउटपुट कितना दे रही है, और वर्क एक्सपेंडेड ऑन मशीन, मैंने कितना एफर्ट लगाई थी, कितना वर्क किया था। तो इस तरह से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आउटपुट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय इनपुट टू द मशीन। ठीक है, इनपुट टू द मशीन। अब अगर मैं इन चीजों को अलग अलग देखूं कि इनपुट मैंने क्या दिया था मशीन को, ये हो जाएगा पी इंटू डी। अब ये पी और डी क्या थे आपके, ये पी अगर आपको याद होगा तो है एफर्ट अप्लाइड इनटू, ठीक है, एफर्ट अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। ठीक है, ये इनपुट हो गया आपका, और आपका अगर आउटपुट है वो होता है डब्ल्यू इनटू डी, ये भी आपको पता होगा। W अभी आपको बताया था मैंने क्या होता है, लोड लिफ्टेड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड मूव्ड बाय लोड। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया है क्योंकि मैं एक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में एक जो है सिंपल सा रिलेशन देना चाहता हूं। अब इसको मैं अगर देखूं, ये हो गया ठीक है, इसको अब मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, W बाय P, ठीक है, और डी बाय डी इनको अलग। इसको अगर देखूं तो मैं, ये है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज और ये है मेरा वेलोसिटी रेशियो, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ईटा जो एफिशिएंसी का है वो है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी है मेरी एक मशीन की। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। आपकी एफिशिएंसी होती है वो यूजफुल वर्क डन बाय मशीन, वर्क एक्सपेंडेड ऑन मशीन, कितना काम मेरे को करके दिया, आउटपुट बाय इनपुट, हर चीज की एफिशिएंसी होती है। आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इनपुट मेरा है कि मैंने कितना फोर्स लगाया, मान लो मैं एक स्क्रू जैक को ही कर रहा हूँ, एफर्ट फोर्स लगा रहा हूँ उसको घुमाने में, और वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, कितना घूम रहा है, ये P इंटू डी। आउटपुट लोड कितना लिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। इसको फिर मैंने थोड़ा रीअरेंज कर लिया, W बाय P, D बाय D, ये मेरा सिंपल आ गया MA और VR, क्योंकि मैं ये पीछे पढ़ के आया हूं कि MA होता है W बाय P और ये होता है D बाय D। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको इस टॉपिक में सिर्फ यही पढ़ना है, सिर्फ 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क में आ जाएगा तो ये तीनों चीजें पूछ लेंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ ये
कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और इसके न्यूमेरिकल भी नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। अगर बुक में कहीं मिलता भी है इनसे रिलेटेड तो मत करना, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो, इसको याद करो और खत्म। और जब अगर पूछे स्क्रू जैक के लिए, तो स्क्रू जैक के लिए भी चीजें सारी सेम ही रहती हैं, क्योंकि स्क्रू जैक भी एक सिंपल मशीन ही है, तो उसमें भी यही सारे डेरिवेशन आएंगे आपके। हालांकि वीआर में, क्योंकि हमारे पास एक अलग चीज रहती है, तो वो आपको पिच और उसके हिसाब से आप वीआर बता देंगे उसका। थैंक यू।